everyone. This is Toshiba Shukla, your paper one faculty at An Academy. And today I have brought a small video for you, जिसमें you will get some motivation that you might need because अब आपके पास examination June 2024 से पहले सिर्फ 2 महीने बचे हैं. If we go by the already released timetable by NTA. तो अब examination आपका आने वाला है और I am sure आप में से बहुत से students के मन में एक्साइटमेंट भी होगा, पढ़ाई चल रही होगी. कितनी जोर से पढ़ाई चल रही है वो तो मुझको नहीं पता, बट ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है. और इस मोटिवेशन के साथ एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट विल हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन अगेन. सो जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ. जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इस डायग्राम, इस इमेज में आपको एक एलिफेंट दिख रहा है और शायद आपको एक डॉग भी दिख रहा होगा. तो ये कहानी है एक एलिफेंट और डॉग की, राइट. तो लाइफ में बहुत बार हमको ऐसा होता है कि हमको कोई चीज़ बहुत समय से मिलती है, मतलब देर में मिलती है. नहीं, हमने अगर कोशिश करी, हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट तुरंत आए, बट वी डोंट गेट इट. सो व्हाट हैपेंड वंस, एलिफेंट और डॉग दोनों ही प्रेग्नेंट थे, राइट. दोनों का आई मीन दे वर एक्सपेक्टिंग, दोनों को बेबीज होने वाले थे, राइट. ऑफकोर्स दे वर फीमेल, द फीमेल डॉग एंड द एलिफेंट एज वेल. तो हुआ क्या, जब दोनों प्रेग्नेंट हुए, थोड़े महीनों बाद डॉग ने बर्थ दिया बच्चों को. फिर कुछ और 6 महीने बीत गए उन बच्चों के बाद, ये वाला डॉग फिर से प्रेग्नेंट हुआ, इसने फिर से बेबीज को जन्म दिया. ऐसे करते करते कम से कम ये डॉग 3 बार प्रेग्नेंट हुआ और इसने जन्म दिया अपने स्मॉल पपीज को. तो ये डॉग एलिफेंट के पास आता और बोलता है कि ये क्या बात हुई भाई, तुम तो तब से ऐसे ही हो. मैंने देखा था जब मैं पहली बार ये डॉग प्रेग्नेंट हुआ था, तब भी तुम थे, तब भी तुम्हारे बेबीज नहीं आए. फिर मैं दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ. आई हैव गिवन बर्थ टू डजन ऑफ पपीज, राइट. मैंने इतने सारे पपीज को जन्म दे दिया और तुम्हारा तो अभी तक एक ही बार नहीं हुआ. कितना लेट लतीफ हो तुम, क्या चल क्या रहा है, क्या होने भी वाला है कुछ ही नहीं होने वाला है. इस पे ये एलिफेंट रिप्लाई करता है डॉग से, क्या कि तुमने जो किया, आई मीन ऑफकोर्स इट वॉज सब्सटैंशियल एंड यू ब्रॉट समवन न्यू इस अर्थ पे, पर जो मेरे अंदर से निकलेगा या जो मैं करने वाला हूँ उसका जो वजन है वो इस दुनिया पे, इस धरती पे फील होने वाला है. और जब मैं बर्थ दूंगा तो क्या होगा, जब बेबी दैट विल बी बॉर्न वो इतना दमदार रहेगा कि जब ये चलेगा और ये बड़ा होगा तो 10 लोग रुक जाएंगे इसको चलते हुए देखते हुए, है ना. और तुमने किया बिकॉज तुमको टाइम कम लगा, मे बी प्रोसेस ऐसा था मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा. अब ये कहानी आपके लिए कैसे सूट करती है, बिकॉज लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत समय से किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, 1 साल 6 महीने 2 साल, और बाकी अपने आसपास हम फ्रेंड्स को देखते हैं, उनका तो बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल रहा है, या जो भी वो चीज़ कर रहे हैं दे आर डूइंग वेल, एंड वी वंडर कि हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमको क्यों नहीं सफलता मिल रही है. तो इतना याद रखना, देरी होती है और बट देरी का मतलब ये नहीं होता कि फेलियर है. देरी का मतलब ये नहीं होता कि कभी होगा ही नहीं, और अगर होगा तो आपको नहीं पता ये कितना सब्सटैंशियल हो सकता है. हो सकता है कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इम्पैक्ट दूर तक फील होगा. मे बी जब आप प्रोफेसर बनोगे और आप लोगों को पढ़ाओगे तो इसका इम्पैक्ट लोगों तक जाएगा, एंड यू विल बी क्रिएटिंग अ वैल्यू इन दिस वर्ल्ड, और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एग्जेम्पलरी रहेगा, राइट. सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय की बात है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, नेवर कंपेयर योर टाइमलाइंस विद अदर पीपल. सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है, किसी की लाइफ में कोई चीज़ जल्दी होती है, किसी की में लेट होती है. तो अभी सिर्फ हमको 2 महीने, है ना, मार्च का महीना होने वाला है, वी हैव अप्रैल एंड मई, एंड ऑफकोर्स यू हैव टू गिव योर 110%, जो भी जितना भी प्रयास कर सकते हो करो. हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी सहायता दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द वीडियोस, द फ्री सीरीज, स्पेशल सेशन प्लस कोर्सेज, बहुत कुछ आने वाले महीनों में भी आने वाला है. तो इसी के साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए बहुत काम का है. जैसे कि आपको अभी पता है IPL इज राइट नाउ हैपनिंग, राइट. और आप अगर IPL देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, उसी के लिए we have launched, I mean we in the sense, मेरी तरफ से पेपर वन में I have launched a
JPL, that is JRF Premium League. और ये साथ ही साथ आपको पता है अनअकैडमी ऐप पे शार्प 7:15 पे एक टेस्ट भी होता है जिसके थ्रू आप IPL के तरह ही आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो. पर वो टेस्ट तो आप जाके दोगे, बट इससे पहले आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू अ स्पेशल सीरीज, स्पेशल क्लास की ये सीरीज है. स्पेशल क्लास क्या होता है, ये फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी ऐप पे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमोरो, राइट, ये जो बचे हुए दिन है मार्च के, फ्रॉम 27, 28, 29 and 30th March आई एम लॉन्चिंग ए सीरीज जिसका ये आपको मैंने डिटेल में स्केड्यूल दे दिया है. आप जाके जब अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करोगे, वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस लिस्टेड हैं. आप अपने आप को एनरोल करना. एंड अभी आई हैव लॉन्च्ड फर्स्ट क्लास, मैं आज बाकी क्लासेस भी लॉन्च कर दूंगी. तो इसके टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं. फर्स्ट क्लास विल बी ICT न्यूमेरिकल्स वर्सेस एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट. तो एक कॉम्पिटिशन होगा, हम ICT के कठिन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो मेमोरी से रिलेटेड हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, और कॉन्सेप्ट रहेंगे पर्यावरण के कि कैसे क्या एनवायरमेंट में नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं. फिर 28 मार्च को इट विल बी वेस्टर्न लॉजिक वर्सेस इंडियन लॉजिक. तो देखते हैं आपका कमांड किस पे स्ट्रॉन्ग है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के, पर हम वेस्टर्न वर्सेस इंडियन देखेंगे. 29 को हम देखेंगे न्यू गवर्नमेंट स्कीम वर्सेस ट्रेडिशनल स्कीम. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. नई सरकारी योजनाएं जो भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं आपके पर्यावरण से रिलेटेड, ICT से रिलेटेड, मे बी रिलेटेड टू टीचिंग रिसर्च, वो सारी योजनाएं और जो आपकी हमेशा पूछी जाती हैं स्कीम, जैसे NDL क्या है, शोध गंगा क्या है, शोध शुद्धि क्या है, ये वाली एक हम टेस्ट करेंगे कि देखते हैं आपको कितनी योजनाएं अच्छे से आती हैं. एंड फाइनली लास्ट टेस्ट विल बी टीचिंग एप्टीट्यूड वर्सेस कम्युनिकेशन. सो गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग वर्सेस कम्युनिकेशन ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. सो ये जो पूरी लीग है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. तो आप इसको अटेंड करिए और ये होगा 6 बजे शाम को. 6 बजे सबसे मुद्दे वाली बात है अनअकैडमी ऐप पे. तो इट विल नॉट बी ऑन YouTube. अगेन आई एम सेइंग ये YouTube पे नहीं है, ये अनअकैडमी ऐप पे है. आपको इसके लिए ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और वहां जाकर इफ यू कैन सी यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल. यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल है, इनकेस यू वॉन्ट टू यू आर एनरोलिंग और यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो तोशिबा JRF, राइट. और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर दीजिएगा और यहीं पे आपको लाइक यू विल बी शोन द फ्री क्लासेस. फ्री क्लास में जो आज मैंने लॉन्च करी है वो आपको दिख जाएगा. इवेंचुअली मैं सारी ये 5 या 4 क्लासेस लॉन्च करूंगी, वो भी आपको दिख जाएगा. तो आप प्लीज कोशिश करके आज या कल में ही एनरोल कर दीजिएगा सारी क्लासेस को, ताकि आपका टाइमर सेट हो जाए 6 बजे, है ना. सिर्फ आप ये 45 मिनट 1 घंटा दे सकते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए. बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन, दैट्स माय प्रॉमिस. सो दिस JPL सीरीज इज फॉर यू, JRF प्रीमियम लीग. और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है जो अनअकैडमी पे टेस्ट होगा, राइट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत है, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐप पे आके पढ़ाई कर सकते हो. तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मोटिवेशन भी दिया, पर मोटिवेशन का तब मतलब है जब उसको काम पे लगाया जाए, है ना, जब प्रयास भी किया जाए और उसको प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाए. इसीलिए अलॉन्ग विद दिस मोटिवेशन, द डॉग एंड द एलिफेंट, वी विल बी स्टार्टिंग दिस सीरीज फ्रॉम टुमारो. प्लीज आइए, मार्क योर कैलेंडर्स और बहुत मजा आने वाला है. हम आपको मार्च में ही गियर अप कर देंगे ताकि आने वाले 2 महीने आपको पढ़ने में और मजा आए, राइट. सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड. प्लीज मेक श्योर यूर शेयरिंग दिस वीडियो. एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आर यू एक्साइटेड, राइट, बिकॉज आई एम. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पीपल इन फैकल्टी, ओनली एट अनअकैडमी. सी यू.